सो हे गाइस यार वेलकम बैक। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने मेन चैनल पे। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड एपिसोड 36 के प्रीव्यू के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो यार प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देख लेना, एंड अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सो बिना कोई वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू। सो यार मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पिकाचू इवॉल्व होने वाला है, सो मैंने वो वाला प्रीव्यू कवर नहीं किया था। सो भाई जो लोग भी बोल रहे थे कि पिकाचू इवॉल्व होने वाला है, सो भाई नहीं, पिकाचू इवॉल्व नहीं हुआ। एंड भाई मुझे पता था जो इवॉल्व होने वाला राइचू था वो कोई दूसरा ही था। सो मुझे पता था इसलिए मैंने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया था। सो आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो। सो यार अब बढ़ते हैं एपिसोड 36 के प्रीव्यू की तरफ। सो यार स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है ऐश जो कि बहुत उदास होता है। यार हाँ यार बहुत ही निराश होता है, सब परेशान हो जाते हैं कि ऐश इतना उदास क्यों है। तुम देख ही सकते हो यार कितना निराश होता है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है रियोलू जो कि बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तुम देख सकते हो यार स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि वो बी से हार चुका था। सो वो बहुत सीरियस है एंड बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। एंड ऐसे ही उसका एक पाला पड़ता है टेंटाक्रूएल के साथ। सो यार वो टेंटाक्रूएल के साथ मैच करता है, लेकिन शायद से उसे जीतने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। एंड भाई तुम देख ही सकते हो उस टेंटाक्रूएल के पॉइजन स्ट्रिंग कितने खतरनाक है। एंड भाई फिर अचानक से हम लोगों को सीन कट करके एक बड़ा सा तूफान दिखा जाता है। फिर एक लड़का और लड़की दिखाई जाते हैं जो कि उस तूफान की तरफ जा रहे होते हैं। वो शायद देखते हैं कि अंदर ऐसा क्या है। तो भाई अपने ऐश एंड गो भी कहाँ पीछे रहने वाले, वो अच्छे से गॉगल वीगल बिल्कुल स्वैग के साथ गॉगल लगाते हैं एंड तूफान के अंदर एकदम चले जाते हैं। सो आई थिंक ये तूफान बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। तुम देख सकते हो उसके अंदर से पर्पल कलर सा कुछ बाहर आता है, ये शायद पोकेमोन का अटैक भी हो सकता है ड्रेको मीटियोर, या फिर तुमने देखा होगा कि उस टेंटाक्रूएल की पॉइजन स्टिंग भी कुछ ऐसी थी, या फिर वो भी हो सकता है। सो भाई उन्हें इससे बहुत तकलीफ होती है एंड भाई एट लास्ट उन्हें ये पोकेमोन मिलता है। सो भाई इस पोकेमोन का नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है और यही आज का पोके क्विज भी है। सो आई थिंक ये एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाली है, ये लॉट ऑफ फन से भरा हुआ है। और यार मैं आप लोगों को कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाके ये एपिसोड देखो। सो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल करो और खुश रहो।